स्वामी विवेकानंद वार्ड के प्रशासक प्रतिनिधि वकार अहमद ने नगर निगम की कार्यशैली पर ही आरोप लगाया है और आरोप लगाया कि नाले का निर्माण होना था जिसको लेकर विभाग ने 2018 में पास कर दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना नगर निगम मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को कई बार दी गई, लेकिन अभी तक नाले का निर्माण नहीं किया गया। बता दें पूरा मामला अयोध्या से है जहां पार्षद ने ये आरोप लगाए हैं और नगर निगम इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस तरह के आरोप लगे हैं, नगर निगम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं बता दें लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र सौंपा और नाले को लेकर अवगत भी कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आसपास के रहने वाले निवासियों का कहना है कि आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, अगर फोर व्हीलर आना हो तो कोई भी सड़क नहीं बचती। गलियां इतनी छोटी है कि बाइक भी बड़ी मशक्कत के बाद अंदर आती है और अगर ये नाला निर्माण हो जाए तो रास्ता बन जाएगा जिससे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको लेकर पार्षद ने लेटर भी सौंपा है। ये पार्षद जी तो कोशिश किए बेचारे, अभी तक इनका कोई काम हो नहीं पाया। ये तो बेचारे दौड़ ही रहे हैं और ये नाला अगर बन जाता और ये कवर्ड भी हो जाता जैसे ऋषि टोला में बना हुआ है कि गाड़ी चार चक्का आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, बच्चे ना गिरें और इसमें जानवर भी गिर जाते हैं तो दिक्कतें तो बहुत हैं। अगर उसी तरीके से ऋषि टोला में जिस तरीके से बना हुआ है कवर्ड हो जाए, यहाँ से वहाँ तक जो है बन जाए तो दोनों रास्ता भी हो जाएगा तो हम लोग को दिक्कत जो है ख़त्म हो जाएगी, यही होना चाहिए। अभी तो सर हमारा जो है पतली गली है, धोबी वाली गली, किसी तरीके से हम लोग जो है बाइक से आते हैं लेकिन रास्ते में जानवर वगैरह सब रहते ही हैं, जगह भी कम है ही है, चार चक्का तो आ ही नहीं सकता। हम यही चाहते हैं कि ये नाला कवर्ड हो जाए और ढक भी जाएगा, उसे सफा भी रहेगा और कूड़ा करकट भी नहीं आएगा, तो ढक भी जाएगा और रास्ता भी हो जाएगा, चार चक्का आवे चाहे जैसे आए और बच्चे भी नहीं गिरेंगे। हम यही चाहते हैं नाला जो है कवर्ड हो जाए और हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ मच्छर भी बहुत इसी नाले को जैसे होते हैं, मच्छर भी जो है बचत हो जाएगी। बहुत मच्छर बनते हैं यहाँ पे, बहुत मच्छर लगते हैं नाले की वजह से, गंदा पानी है। तो ये सब देखते हुए हमारा ये जो नाला ढक जाए और सड़क बन जाए इसी पे कवर्ड हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। श्याम नारायण गुप्ता। देखिए ये नाला है यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर नाले में आए दिन कहीं गाय गिर जाती है, कहीं बच्चे गिर जाते हैं, दुर्घटना किसी दिन बड़ी हो सकती है। इसके लिए मैं नगर निगम से लगातार सन 2018 से मैं मांग करता रहा कि इस नाले को जो है कवर्ड किया जाए, क्योंकि ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच का नाला है और दोनों तरफ आबादी है और यहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों गली है बगल में जहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत पतली गली है, लोग मोटरसाइकिल कारें नहीं खरीद पा रहे हैं, कैसे जीवन रह रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी से आप पूछ सकते हैं। मैंने 18 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है दिया था पंचम तल में मिलके, उन्होंने जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ माननीय नगर निगम को भेजा था, नगर निगम ने फाइल बनाई, DPR भेजा, DPR पास हुई जिसमें पैसे भी पास हुए, परंतु अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि निगम द्वारा ये कार्य क्यों नहीं हो पाया अब तक। फिर मैंने पुनः जो कि बोर्ड में 3 बार मैं इसका प्रस्ताव दे चुका हूं, बोर्ड के सर्वसम्मति से ये पास भी हुआ है, जिसकी कापी बोर्ड की कार्यवृत्ति की कापी मेरे पास रखी हुई है जिसको मैं दिखा भी सकता हूँ। लेकिन मैंने कई बार XCM साहब से मिलकर कहा, PWD के हमारे जई साहब से मैंने कहा, तमाम लोगों से कहा, लेकिन कोई सही जवाब अभी तक मिला नहीं कि इस नाले को जल्द से जल्द बनाया जाए जिससे दुर्घटनाएं होना बंद हो। आए दिन ये कच्चा नाला है, भट जाता है, जिस नाले के कारण जो है अगल बगल के क्षेत्र में जल भराव होता है, बारिश आने वाली है, इसलिए बारिश के आने से पूर्व इस समस्या का निदान होना चाहिए। मैं लखनऊ गया था माननीय योगी आदित्य जी से, मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा, उनके पास समय का अभाव था, समय मिल नहीं पाया, इसलिए DCM माननीय श्री बृजेश पाठक जी को मैंने जो है अपने जो है वार्ड की समस्या को बताया और लिखित रूप में मैंने दिया। ये सारी बातें मैंने उनको भी बताई कि पिछले सन 2018 से अब तक के इसका निस्तारण नहीं हुआ है, तो माननीय बृजेश पाठक जी ने मुझे आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद भी है
उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों से संपर्क कर इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। वकार अहमद, पार्षद प्रतिनिधि, स्वामी विवेकानंद, लाल बाग मोहल्ला है। ये सारी समस्याएं थी क्योंकि बच्चे खेलते भी रहते हैं और ये घर के करीब हम लोग के पास का नाला है। आए दिन जानवर गिरते, कहीं बंदर है, कहीं कुत्ते बिल्ली, आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। और सारे बच्चे हम लोग के यहाँ के अगल बगल के सब खेलते हैं। पहली बात तो हम लोग के यहाँ कोई साधन नहीं, पतली गली के अलावा कोई चौड़ी गली जो कि गाड़ी आ सके किसी के भी है। मान लीजिए हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गाड़ी रख सकते हैं। लेकिन समस्या के कारण ये गली बहुत पतली होने के कारण यहाँ दिक्कतें बहुत, इसलिए नाला बनने के लिए कार्रवाई की जाए। कार तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आगे की कोई सुनवाई नहीं होती तो वो क्या कर सकते हैं। अनीता श्रीवास्तव, लालबाग।